मुझे अभी ही पता चला है कि मेरे अगेंस्ट FIR दर्ज कर दी है SGPC अमृतसर ने। हम तेरे को मार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। मार गलती से कोई मिस्टेक कर देती है, क्या उसके अगर इंटेंट गलत नहीं है तो क्या उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए? आप खुद सोचिए, आपकी बेटी होती और वो कहीं ऐसे जा रही होती जहाँ उसको रूल्स नहीं समझ में आ रहे। मैं इमोशन में बह गई थी पर मेरा इंटेंट गलत नहीं था। योगा इन अ सिख लाइफस्टाइल एंड फॉर ऑल ऑफ अस 3HOR। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पीपल में। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट बहुत वायरल हो रहा है। अर्चना मकवाना गई हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर और वहां उन्होंने एक योगा पोस्ट किया, उसके बाद उन पे FIR हो गई है, उसके बाद उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उन्होंने माफी मांगी है पर उनको बख्शा नहीं जा रहा। क्या सही है क्या गलत है? जो अर्चना ने किया वो किसी पॉलिटिकल वजह से किया या उनसे गलती हो गई? जो उनके साथ अब हो रहा है क्या वो सही है क्या गलत है? अब तेरे को मार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए मारना तेरे को। क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, इस वीडियो में आप पूरी जानकारी लेंगे, साथ में मेरा ओपिनियन पाएंगे। तो चलिए डिटेल में इस विषय में बात करते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कमरान अकमल के कमेंट पे, जो उन्होंने अर्शदीप पे इंसल्ट करी थी, 12 बज गए बोला था, और मैंने कैसे उसको कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, आप सबको बताया। उस पे करीबन 7 लाख व्यू हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि सिखिज्म कैसे इस भारत देश का अभिन्न अंग है, कैसे सिख कम्युनिटी हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, और कैसे उनका मजाक उड़ाना बेहद अफसोसजनक है और उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए। इस वीडियो में थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि मैं बायस नहीं हूं, मैं ना राइट विंग का हूं ना लेफ्ट विंग का हूं, मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं करता, मैं यहां बात करता हूं कि मोरालिटी की लाइन पे क्या सही है क्या गलत है, क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए। सोशली आपको अवेयर रखता हूं, सेंसिटाइज रखता हूं और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता हूं सोचने का समझने का, जिससे आप इन्फ्लुएंस ना हो पॉलिटिकल फिगर्स से, आप इन्फ्लुएंस ना हो किसी भेड़ चाल में, आप अपना दिमाग यूज कर सकें। तो उसके लिए कुछ पर्सपेक्टिव मैं यहां देना चाहता हूं। अर्चना मकवाना एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है जो कि योगा में उसने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है और उस कंट्रीब्यूशन की वजह से उसको अवार्ड मिला दिल्ली में, जो वो लेने आई, उसके बाद वो गोल्डन टेंपल गई। अब बड़ी आम बात है कि जब आप गोल्डन टेंपल जाते हो तो नॉर्मली आप जो रूल्स देखते हो या पढ़ते हो, जो भी पब्लिश है आप देख लेना, मैंने भी बहुत रिसर्च करी, आप भी कर लेना, आपको कहीं भी ज्यादा से ज्यादा ड्रेस कोड के बारे में रूल मिल जाएगा और आपको जितने भी, मैंने आपको लिंक्स भी दे रहा हूं, जितने भी रूल्स हैं उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप योगा नहीं कर सकते। आप अगर बहुत नॉलेज रखते हो या आप बहुत ज्यादा अंदर डीप जाकर रिसर्च करते हो तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आइडली जब आप वहां जाते हो तो किसी ना किसी को आपको ट्रेन करना चाहिए कि ये अलाउड है ये नहीं है, या वहां पब्लिश होना चाहिए, कई चीजें पब्लिश है पर ये पब्लिश नहीं है, या हो सकता है आप उस चीज को इग्नोर कर दो अगर कहीं पब्लिश है भी तो, बिकॉज हो सकता है वो बड़ी ऐसे फ्लैश करके नहीं दिखाया जा रहा। मुझे लगता है आइडली ऐसी जगह पे जहां इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं वहां आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, 5-10 मिनट की, या कोई वीडियो चलाना चाहिए उसके बाद अपन अंदर एंटर करें, जिससे आपको डर ना हो। ऐसे इंसिडेंट्स के साथ तो आपको डर बैठ जाएगा, बिकॉज जब मैं गया था अपनी फैमिली के साथ तो हमने भी हम थोड़ा डरे हुए थे, बिकॉज साथ में बच्चे भी थे बड़े भी थे और यू वांट टू मेक श्योर कि कोई आपसे गलती ना हो जाए। बट जब मैं वहां गया तो मैंने कई अमेजिंग चीजें देखी, बहुत पीस फील हुआ और गुरुद्वारे में जाके होता ही, और गोल्डन टेम्पल में जाना एक बड़ा बड़ा सीरीन एक्सपीरियंस था, बहुत सरल एक्सपीरियंस था। इसमें स्पेशली जो लंगर का कॉन्सेप्ट है वहां, जो खाना की जिस तरह सेवा करी जाती है बहुत अमेजिंग है, और वहां पीस फील होता है, वहां बहुत अच्छा फील होता है, वहां एक बड़ी पॉजिटिव वाइब लेकर वापस आते हो, पर अगर आप डरते हुए आओ तो वो वाइब खराब होती है, isn't it? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि वहां वीडियो चला दीजिए, वहां अवेयरनेस क्रिएट कर दीजिए, वहां कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दीजिए, अपनी वेबसाइट अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक भेज दीजिए, जब भी आप वहां जाते हो तो आपको एक लिंक दे दिया जाए, उस वीडियो को आप देखकर अंदर जाएं, व्हाटएवर, देयर कुड बी मल्टीपल वेज इन दिस डिजिटल वर्ल्ड कि आप वहां कोई गलती ना करें और आपको उनके रूल्स के बारे में पता हो। पर अर्चना मकवाना को ये रूल्स के बारे में नहीं पता था, उसने जो भी किया हो सकता है रूल्स के अगेंस्ट हो पर उसने जानबूझ के नहीं किया, या इंटेंट। जिस दिन योगा डे था मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है, मुझे इतनी सारी धमकियाँ आ रही है, मारने की धमकियाँ आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियाँ आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो, उनकी गलती हो तो माफ कर देना चाहिए। मैं तहे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं आगे से नहीं करूँगी और ध्यान रखूंगी, मुझे रूल्स नहीं पता थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि अर्चना का इंटेंट गलत था या सही था। मैं इमोशन में बह गई थी पर मेरा इंटेंट गलत नहीं था। सस्रिया का अगर वो वहां जाके सेवा कर रही है, वहां डोनेशन कर रही है और वहां एक योगा का पोस्ट कर रही है, योगा क्या है? योगा कनेक्ट्स यू टू गॉड, इट्स नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज। जिस तरह उसको बताया जा रहा है कि भैया एक्सरसाइज गलत है, योगा करना गलत है, उससे जो FIR हुई है 295A सेक्शन IPC उस पे लगाया गया है, जिसपे आप ये बोलते हो कि भाई आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो, आप उसकी जो सिग्निफिकेंस है उस जगह की उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंटेंट अर्चना की वैसी थी, पर अगर आपको लगता, अगर आप आहत हुए उससे तो आप FIR कर दो। पर उसने जब माफी मांग ली सोशल मीडिया पे आकर, बार बार ये लड़की माफी मांग रही है। नमस्ते एवरीवन, मुझे अभी ही पता चला है कि मेरे अगेंस्ट FIR दर्ज कर दी है SGPC अमृतसर ने। मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने जो गुड फेथ में किया था वो बहुत गलत तरीके से उसको रिसीव किया गया है, परसीव किया गया है।
मैं 20 जून को वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में अपना माथा टेक के आई थी। मैंने अपनी सेवा भी करी थी, वो सब मैंने 20th को किया था। 21st को सुबह योगा डे था, जैसे दिलजीत दोसांझ बहुत फेमस पंजाबी सिंगर है, बोलते हैं कि योगा अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, तो वही मैसेज को स्प्रेड करने के लिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लेती हूँ जिससे लोग पंजाब में ज्यादा लोग योग को अपनी लाइफ में अपनाएं। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये एफर्ट बहुत गंदी तरीके से और बहुत गलत तरीके से परसीव किया गया, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगी पंजाब पुलिस को और SGPC अमृतसर को कि इस दोनों दिन के आप CCTV कैमराज देख लीजिए, और प्लीज आप CCTV कैमराज पब्लिक में डाल दो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मेरा अंदर बोलता है मैंने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया था, मैंने गुड फेथ में किया था। अगर फिर भी लोगों को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, अभी इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग ने मेरे अगेंस्ट इतना क्या करूँगा? आप मुझे जेल में डाल दोगे क्या? मीन्स क्यों? मैंने ऐसा कुछ इंसल्ट नहीं किया है, मैंने अपने हिसाब से पूरा गुड फेथ में किया है। फिर वाहेगुरु जी की इच्छा, बिकॉज उनको पता है मैंने मेरे दिल में क्या है। और प्लीज इसको आप कम्युनल नहीं बनाएं और पॉलिटिसाइज भी नहीं करें, और मीडिया सोशल मीडिया एवरीबॉडी प्लीज इसको इतना अपना व्यूज बनाने के लिए और अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए इसको खाली खाली मेरे बारे में रील मत बनाइए प्लीज। ये इतना आपको फनी लगता है वो नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और मेरे को इसके लिए डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, पता नहीं क्या क्या मिल चुका है अभी तक। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गुजरात गवर्नमेंट ने, आई एम वेरी थैंकफुल, वरना क्या होता मेरा? बिकॉज यू नो इट्स वेरी सैड कि लोगों ने अपने हिसाब से परसीव किया है। मेरा जो अंदर का रियल इंटेंशन था वो तो अनफॉर्चुनेटली किसी को दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो, आई एम वेरी सॉरी अगर आपकी भावना को ठेस पहुंचा है, पर वो मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं। बार बार ये कह रही है कि उससे गलती हो गई, उसका इंटेंशन नहीं था, तो क्या आप माफ नहीं कर सकते? अभी पिछले वीडियो में मैं बताता कि सिखिज्म क्या है, सिख कम्युनिटी क्या है, कैसे उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। सिखिज्म हमें सैक्रिफाइस बताता है, लव बताता है, यूनिटी बताता है। सिखिज्म हमें हेट्रेड फैलाना नहीं बताता। पर मुझे लगता है ये पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा है। ये मुझे लगता है कि जो थ्रेट्स उसको मिल रहे हैं, जो उसमें लैंग्वेज है, वो साफ बता रही है कि जो ये मुद्दा मोर पॉलिटिकली इग्नाइटेड है, राधा उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इतना बड़ा गुनाह मैंने नहीं किया है कि आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, रेप की धमकी दे रहे हो। मेरे अगेंस्ट FIR हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं? लाइक आई डोंट डिजर्व दिस। फिर देख, अब जैसी वाहेगुरु की इच्छा, रब रखा, हर हर महादेव। उसका इंटेंशन उस लड़की का जब नहीं है, वो साफ पता चल रहा है, तो क्यों क्यों इतना हेट्रेड? और मुझे लगता है जब कोई इंटेंट किसी गलत नहीं है तो आपको उसको बख्श देना चाहिए। और इस तरह के थ्रेट्स तो वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, स्पेशली जब वो अपोलोजाइज करे सोशल मीडिया पे आके, अपनी गलती मान रही है कि उससे गलती हो गई, उसको नहीं पता था रूल। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 21st को जब मैं ये शीर्षासन कर रही थी या जो मेडिटेशन का मैं पोस्ट कर रही थी, उस दिन जिन्होंने फोटो खींचा था मेरा, वो भी सरदार जी ही थे और सबके सामने ही किया था। उन्होंने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगा कि मैंने गलत किया। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने किसी को हर्ट किया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, और मेरा कोई मलाइस इंटेंट भी नहीं है। इसको प्लीज कम्युनल पॉलिटिकल मत बनाइए, क्योंकि इट्स एक ओमकार, इट्स सब कुछ एक है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत गलत इंटेंशन से वहां पे आई थी, वो पॉसिबल ही नहीं है। उनके हुक्म के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। मैंने बहुत गुड फेथ में ये किया था और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये जो रूल्स हैं वो पब्लिश कहाँ हैं? आप ढूंढो, मैं ढूंढू, तो मुझे लगता है इसके अराउंड सॉल्यूशन जो गोल्डन टेंपल में होना चाहिए, ये होना चाहिए जो मैंने अभी बताया कि एक वीडियो लिंक भेज दो फोनों पे, या वहां एक वीडियो चला दो, आप 5 मिनट बाहर रोक के पहले उस वीडियो को देखें फिर अंदर जाएं। तो यू नो इट विल रिमूव एनी सच अकरेंसेस एनीवे। और कई लोग जैसे बोल रहे हैं कि वहां पहले भी ऐसा होता है और जब आप वाइट्स हो तो आपको परमिशन दी जाती है, मैं उसको इतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां जो सेवादार उन पे भी फाइन लग चुका है नेग्लिजेंस के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो कल एक कैमरे वेखण ते पाया गया कि एक बीबी आ जिहड़ी ओह सचखंड श्री दरबार साहिब विखे 6:53 ते एंट्री करदी आ, जो 6:57 ते दरबार साहिब दे अगले पासे दी लंघदी आ। लगभग ओह 1 घंटा रहिंदी आ, 7:04 ते उहने इह आसन करिया, योग आसन करिया, ते लगभग 1 घंटा ओह परिक्रमा 'च रहिंदी आ। तो उन्हें कितने भी सचखंड श्री दरबार साहब जा वो आले दुआले किसी भी स्थान पर उस बीबी ने नमस्कार नहीं की। सो ये जापता कि वह बीबी, क्योंकि सचखंड श्री दरबार साहब एक सिखा का वो केंद्र है, जिते ये कह लो एक अपनी वह बीबी मसूरी खट्टन वास्ते योग आसन किया। मैं 20th
जून को वहां पे गोल्डन टेम्पल में अपना माथा टेक के आई थी। मैंने अपनी सेवा भी करी थी, वो सब मैंने 20th को किया था। सेवादार भाई पलविंदर सिंह जी सेवादार, वो मुढ़ले तौर पर असी उन्होंने मुअत्तल करके उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की आ। सो बाकी भी मुलाजमान हदायत कर दी है कि अगले आने वाले समय के जे कोई ऐदां दी कोई गलबात पाएगी तो उन्होंने सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल ज़्यादा है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो जाता है कई बार जो सेवादार हैं वो रोकते नहीं है, या वो जो उस वक्त जो स्टाफ है वो नहीं रोक रहा। कई बार हमारे देश में ऐसे भी होता है ना, जो फिरंगी लोगों को देखकर, अंग्रेजों को देखकर, सफेद चमड़ी देखकर हम वैसे भी थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं, तो हो सकता है वो चीज़ हो। पर हैविंग सेड दैट, दैट्स नॉट एक्सक्यूज। आइडली आपको ऐसी जगह में आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज वहाँ सेवादार हैं, उनकी बायस की वजह से आप किसी को अलाउ कर रहे हो किसी को नहीं कर रहे। अब गोरी चमड़ी है तो अलाउ कर रहे हो, या कोई बहुत ज्यादा बड़ा इंसान है या बड़ी उस पे हस्ती है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई बहुत पॉपुलर फिगर है तो उसको आप अलाउ कर रहे हो, कैसे भी कपड़े पहनना अलाउ कर रहे हो, कैसे भी चीजें करना आप अलाउ कर रहे हो, फोटोग्राफी अलाउ कर रहे हो, पर किसी को नहीं करने दे रहे हो, तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना, बिकॉज वहां सैनिटी ऑफ द प्लेस क्या खत्म नहीं हो रही। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो SGPC है जो इस सबको मैनेज करती है, एडमिनिस्टर करती है, उनको उनको इस तरह के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस यहां इंप्लीमेंट करने चाहिए और जिससे ये करेंसेस ना हो। और दूसरा, अगर ऐसी वो अकरेंस होती है तो आप इंटेंट देखिए उस लड़की का, उसकी माफी कबूल करिए, बच्ची है उसको माफ करिए, वो अच्छा काम कर रही है उसको करने दीजिए। मेरी इतनी गुजारिश है, मैं इस प्लेटफॉर्म से पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूं, एक एक दिमाग खोलना चाहता हूं, एक पर्सपेक्टिव खोलना चाहता हूं जिससे सिख कम्युनिटी वो भी समझ में उसको आए। टैबू इज दैट इज योगा इन अ सिख लाइफस्टाइल एंड फॉर ऑल ऑफ अस 3HOers दिस इज समथिंग वी आर फॉर दोस ऑफ अस बोर्न इनटू इट इट्स व्हाट वी नो For those of us who come into it. अगर आपकी भी कोई बेटी है कहीं बाहर किसी देश में जा रही है और वो गलती से कोई मिस्टेक कर देती है, क्या उसके अगर इंटेंट गलत नहीं है तो क्या उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए? आप खुद सोचिए, आपकी बेटी होती और वो कहीं ऐसे जा रही होती जहां उसको रूल्स नहीं समझ में आ रहे। देर आर सो मेनी प्लेसेज इन UAE, देर आर सो मेनी प्लेसेज जो मुस्लिम कंट्रीज में है या बहुत कट्टर कंट्रीज में है, कोई बुद्धिज्म टेम्पल हो सकता है, कोई शालून टेम्पल हो सकता है, कोई इंडिया का मंदिर हो सकता है, कहीं भी कोई भी गलती आपसे हो सकती है। पर अगर आपकी इंटेंट गलत नहीं है तो आपके साथ आपको थ्रेट्स तो नहीं मिलने चाहिए, फाइन कर दो ना यार। प्लीज ग्रो अप ऑन सोशल मीडिया एंड प्लीज प्लीज हैव सम एपेटाइट एंड हैव सम टॉलरेंस, स्पेशली इफ द मिस्टेक्स हैपन विदाउट एनी इंटेंट। और हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा ये ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताना। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगाओ, इसमें अगर आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पी बॉय, अब कुछ नहीं छुपेगा।